एक धर्म का राष्ट्र बना देंगे, तो ऐसा तो कतई भी सोचना उस धर्म वालों के लिए गलत होगा और पाप होगा। कोई भी एक धर्म इस देश में अपने धर्म का राष्ट्र नहीं बना सकता। ये तो गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल के ही फेंक दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भारतीय होने की वजह से सामाजिक तौर पर हम एक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम अलग अलग हैं। हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम अलग है, ईसाई अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, सिख धर्म अलग है, और ये सभी धर्म किसी एक धर्म में से नहीं निकले। एक तो ये गलत फहमी में कुछ लोगों की दूर कर देना चाहता हूं, राइट। सो भाइयों, हम सब लोग भारतीय हैं, सामाजिक तौर पर एक हैं, और हमें एक रहना पड़ेगा, और इसके बिना गुजारा भी नहीं होगा, राइट। तो सामाजिक तौर पर एक हैं, एक दूसरे के धर्मों की हम इज्जत करें, एक दूसरे की धर्मों की रिस्पेक्ट करें, और एक दूसरे के धर्म के बारे में कभी भी गलत कभी भी ना कुछ बोले। लेकिन मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ दिनों से कुछ संगठनों के लोग, आतंकी संगठनों के लोग, आरएसएस भारत देश का एक आतंकी संगठन है, और इन्होंने आगे अपने ब्रांचेस बनाई हैं, शिवसेना, शिवसेना हिंदुस्तान, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू वाहिनी, परशुराम सेना। तो मैं अपने मूल निवासी 6743 जातियां, जिनके जन्म का जो टेवा बना हुआ है, वो सभी लोग अपना अपना टेवा निकालो, जिनके टेवे के में वर्ण के अंदर आपका वर्ण शूद्र लिखा हुआ है, तो मैं उन शूद्रों को, 85% शूद्रों को, 6743 जातियों में बटे हुए शूद्रों को एक बार बोल दूं कि तुम लोग हिंदू नहीं हो। हम मूल निवासी हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। हमारा हिंदू धर्म के साथ सामाजिक तौर पर हमारा लिंक है, हम उनकी इज्जत करते हैं। सामाजिक तौर पर हम भारतीय होने की वजह से हम इज्जत करते हैं, हम एक हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर हम हिंदू नहीं हैं, राइट। तो मैं अपने सभी वाल्मीकि, चमार और जितने भी मूल निवासी हैं, उनको एक चीज कहना चाहता हूं कि भाइयों, आपको ये जो आरएसएस के जितने भी ब्रांचेस संगठन हैं, ये हिंदुत्व को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है बोल बोल करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको अपने संगठनों के अंदर कुछ सिक्कों का लालच देते हैं और पद प्रधानियां देते हैं, और आप मूर्ख बनके इनके संगठनों में जाते हैं, और आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को चूर चूर कर देते हैं। मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। इस पेज को ध्यान से देखिए, यह भारत की वर्ण व्यवस्था है। भारत के अंदर चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। मैं थोड़ी सी बात करूं, फिर उसके बाद मैं ये दोबारा दिखाऊंगा पेज। कभी कोई अमित शर्मा, कभी कोई दीपक शर्मा है, इस तरह के पता नहीं, ये तटपूंजिये से भाड़े के टट्टू, ये भारत के अमन शांति को भंग कर रहे हैं। आए दिन हिंदुत्व को खतरा बोल के, आए दिन हिंदुत्व को खतरा बोल करके ये भड़ुए लोग भारत का माहौल खराब कर रहे हैं, और इनके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है, इनके गले में कोई भाई पट्टा डालो। तो ये दीपक शर्मा और अमित शर्मा और ऐसे बहुत सारे शर्मा लोग, इन्हीं को भाई खतरा क्या है? यही लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व को खतरा है। तो अमित शर्मा मींस ब्राह्मण, दीपक शर्मा मींस ब्राह्मण, तो ये कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं? 3.5%। तो भाई ब्राह्मण सिर्फ 3.5% लोग हैं इस भारत के अंदर, ठीक है। चलिए क्षत्रिय 6%, वैश्य यानी बाणिया 5.5%। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये भी
इनको मानते हैं, ये भी इनका साथ देते हैं, ये हिंदू अपने आप को कहलवाते हैं। तो मैं अपने छत्री भाइयों से पूछना चाहता हूं कि भाइयों, छत्री भाइयों, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, एक परशुराम जी हुए थे, आपने ब्राह्मणों का क्या बिगाड़ दिया था कि ब्राह्मण परशुराम ने आपके वंश को तीन बार खत्म कर दिया था? ऐसा आपने क्या बिगाड़ दिया था परशुराम जी का या ब्राह्मणों का कि ब्राह्मण परशुराम जी ने, देखिए मैं उनको जी करके बोल रहा हूं, मैं इन टटपूंजी भाड़े के टट्टू दीपक शर्मा या अमित शर्मा जो भारत का माहौल खराब करते हैं और हिंदुत्व को खतरा बोलते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि दीपक शर्मा या अमित शर्मा, आपके परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध क्यों किया था? छत्राणियों के पेट के अंदर भी बच्चे जो पल रहे थे उनको भी खत्म कर दिया था, ऐसा क्षत्रियों ने क्या कर दिया था ब्राह्मणों का? ये मेरा एक सवाल है, ये मेरे समस्त जो मेरे हिंदू भाई अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं, जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय वर्ण से है, वो मुझे जवाब जरूर दें कि आपने क्या बिगाड़ा था। इतिहास ढूंढना और आप अपने बुजुर्गों से पूछना कि आपने क्या बिगाड़ दिया था इनका। एक्चुअली दरअसल आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, एक्चुअली ये हजारों सालों से पूरे भारत के लोगों के ऊपर राज करना चाहता है। महात्मा गांधी कौन, नेहरू कौन, इंदिरा गांधी कौन, राइट? तो परशुराम कौन? तो इनके ऊपर पता नहीं पूरे भारत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का इनके ऊपर एक जुनून सवार है। तो परशुराम जी भी ये थे और उन्होंने क्षत्रियों का वध करा दिया। मैं क्षत्रियों आपको सल्यूट करता हूं मेरे भाइयों कि आपका वजूद आज भी है। सलाम है क्षत्रिय भाइयों को कि आपका वजूद आज भी है। तीन बार परशुराम जी ने खत्म कर दिया था आपके वजूद को, उसके बावजूद आपका वजूद है। ये पूछिएगा जरूर किसी ब्राह्मण से या अपने बुजुर्गों से। ये एक बिजनेसमैन तबका है, हिसाब किताब में निपुण, प्रॉपर्टी खरीदना, बिल्डिंग बनाना, हम इनको भी सलाम करते हैं, दिमागी लोग हैं ये। दिमाग हमारे पास भी है भाई, आईएएस आईपीएस, हमारे भगवान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा हमें जागरूक कर दिया कि आज आईएएस आईपीएस हमारे लोग भी हैं, राइट? तो 6743 जातियों वाले शूद्रों, ओबीसी बीसी एससी एसटी, आप लोग हिंदू नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने आरएसएस के ये जो आतंकी संगठन है, चंद सिक्कों की खातर, पद प्रधानगियों की खातर, मैं अपने वाल्मीकियों से, चमारों से, भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आप आरएसएस के दल्ले मत बनो, आप इनके संगठनों में पद प्रधानगियां मत लो, नहीं तो आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को चूर चूर कर रहे हो और फिर अपने समाज को ही गुलाम कर रहे हो, क्योंकि ये वर्ण बहुत अपने आप को समझदार और बड़ा उम्दा समझता है। इसी वजह से तो इनका भी वजूद खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी ये इनका वजूद है। सल्यूट है क्षत्रियों को, राइट? तो 6743 वाले जो शूद्र हैं, जातियों वाले, आप लोग समझदार बनो और इनके किसी भी आतंकी संगठन का हिस्सा मत बनो। अच्छा, ये बोलते थे कि सिख जो है हिंदुओं का हिस्सा है, तो भाई सिख हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। जब ये ब्राह्मण शूद्रों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे तो सबसे पहले बेदी कुल के गुरु नानक देव ऐसे हिंदू हुए जिन्होंने इनके अत्याचारों को देखते हुए शूद्रों की लड़ाई लड़ी और शूद्रों को सिख बना दिया। जब शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देते थे ये लोग, और शूद्रों के सिर के ऊपर कपड़ा नहीं होता था, शूद्र नंगे रहते थे बेचारे, मेहनत कष्ट काले हो गए थे, तो नानक साहब ने शूद्रों के सिर के ऊपर 7.5 मीटर की दस्तार सजा दी। तो शूद्र हिंदू नहीं है, शूद्र जो सिख भी है वो शूद्र है, शूद्रों को सिख बनाया था और इनके बराबर, क्योंकि जब ये मंदिरों में नहीं जाने देते थे तो इनको बोला कि आप अपनी धर्मशाला, अपने गुरुद्वारे अलग बनाओ,
आज इनकी बराबरी करता है ये, और पगड़ी से तकलीफ ज्यादातर इन्हीं लोगों को होती है। ठीक है, बोधि 123 देशों में बुद्ध धर्म को माना जाता है, लेकिन इन्होंने इसने बुद्ध धर्म का सत्यानाश कर दिया था, लेकिन आज भी बुद्धिस्ट है और शूद्र ही बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं। ठीक है जी, ये धर्म ये भी अलग है, ये हिंदू का हिस्सा नहीं है। राइट, शाह पटेल क्रिश्चियन मुसलमान भाइयों, हिंदुत्व का खतरा नहीं है। खतरा हुआ था 1984 के अंदर सिख धर्म को, जब दिल्ली के अंदर गले में टायर डाल डाल के सिखों को मारा गया था, उनकी बेटियों से, उनकी बहु बेटियों से बलात्कार किए गए थे सड़कों के ऊपर, और वो हिंदुओं ने किए थे। और वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बचाया, नो, जगदीश टाइटलर, इवन अमिताभ बच्चन ने भी माइक लेकर के एक अनाउंसमेंट की थी, और वो हमारे पास सबूत है, उसने भी कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन कांपती है, है ना, अमिताभ बच्चन। ठीक है जी, खतरा हुआ था इस भारत देश के अंदर गोधरा कांड जब हुआ था, जब मुसलमानों को मारा गया था, तो आज तक मुझे बताओ हिंदुओं के ऊपर कहां कोई हमला हुआ है, कहां हिंदुओं को खतरा है? तो हिंदुत्व को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है, तो शूद्र मूल निवासी जो है वो हिंदू नहीं है। 85% लोग, 85% लोगों का भगवान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिसकी वजह से आज आप लोग खुलकर के सांस लेते हो, आपकी बेटियां महफूज हैं। शूद्रो, मेरे दलित भाइयों, आप हिंदू नहीं हैं। तो मैं अपने समस्त मूलवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, और मुसलमानों से भी बोलना चाहता हूं कि आप हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन हमारा धार्मिक तौर पे हम अलग अलग हैं, सामाजिक तौर पे हम एक हैं। अभी ये एक भड़ुआ दीपक शर्मा करके अल्लाह के बारे में बातचीत कर रहा था कि जिस अल्लाह का बाप कौन है। अरे अल्लाह वाहेगुरु परमात्मा और खुदा ये एक है, अल्लाह वाहेगुरु परमात्मा खुदा एक है, इसका कोई बाप नहीं है। और नानक साहब भी कहते हैं, नानक एको सिमरिए जो जल थल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। अबे बड़ुए दीपक शर्मा, तू भी आ गया, एटलीस्ट कसूर तेरा नहीं है भाई। दीपक शर्मा, तू ये 3.5% में आता है, कसूर है तेरे इस ब्राह्मणवाद का, वो एक कीड़ा है तुम लोगों के अंदर। तो ये बोल रहा है कि अल्लाह का बाप कौन है, और जिसका बाप नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। अबे मैं अभी यहां पे बहन बेटियां भी देख रही होंगी, इसलिए मैं गाली नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, सिखा था माननीवा मत उच्ची। ठीक है, तू बहुत ज्यादा अल्लाह के बारे में और बहुत ज्यादा मुसलमानों के बारे में बोलता है, तेरे को जिस दिन मुसलमान अभी शांत है भारत देश का, और जिस दिन कोई सरफिरा मिल गया, तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे, चीथड़े। तो मैं मुसलमान भाइयों से बोलना चाहता हूं कि भाइयों, ऐसे भाड़े के टट्टुओं के ऊपर जो आरएसएस के दल्ले हैं, इनके ऊपर आपने इनकी बातों को इग्नोर करो, इनको इग्नोर कर दिया करो, जिसके नाम के आगे शर्मा लगे उसको इग्नोर कर दिया करो। दीपक शर्मा, अमित शर्मा, चंडीगढ़ का कोई टट्टू, आरएसएस का, शिवसेना का दल्ला, भाई भारत देश में अमन शांति है, शांत रहने दो। अगर हमले होते हैं दलितों के ऊपर होते हैं, अगर किसी मुसलमान ने किसी दलित को मार दिया, तो उसको हिंदू और मुस्लिम का मसला बनाकर के अखबारों में मीडिया ये बना दिया जाता है। एक भी हिंदू के ऊपर कभी कोई हमला नहीं होता है, हमले होते हैं तो दलितों के ऊपर। दलित हिंदू नहीं है, दलित ये हिंदू नहीं है। ठीक है, तो मैं दीपक